हेलो गाइस, कविता देवी किचन ऑफिशियल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं अंडे का केक की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है, छोटी वाली कटोरी से 1 कटोरी पीसी चीनी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस, 4 अंडे लिए हैं, दूध लिया है, आधा कटोरी रिफाइंड ऑयल लिया है, थोड़ी सी टूटी फूटी ली है। अंडे को तोड़ लेंगे किसी बर्तन में। वीडियो के अंत तक बने रहे, इसी तरह से अंडे को तोड़ेंगे हम। इसे अच्छे से मिला लेना है। चलिए, मैंने मिला लिया है। अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं। सभी चीनी को डाल दिया है। इसे भी अच्छे से फेंट लेंगे हम 2 मिनट तक। देखिए, 2 मिनट हो गए हैं, अच्छे से चीनी अंडे में मिल गई है, इसमें बबल्स दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसमें मैदा डाल देंगे। मैदा को हम छलनी से छान लेंगे। इसे अच्छे से फेंटेंगे, जिससे हमारा केक बहुत ही स्पंजी बन के तैयार होगा। देखिए, अभी ये गाढ़ा है। अब हम इसमें दूध डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध डालेंगे। चलिए, इसे मिला लेते हैं अच्छे से। अभी भी ये गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा और दूध डाल देंगे। ये मैंने गर्म कर लिया था दूध पहले से ही। एक भी लम्स इसमें नहीं रहना चाहिए, अच्छे से फेंटना है हमें। चलिए, आधा कटोरी रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, वनीला एसेंस डाल देंगे 6-7 बूंद, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे इसमें। चलिए, अच्छे से इसे मिला लेते हैं। इसी तरह हमें बैटर तैयार करना है, देख सकते हैं आप। ये मैंने केक बनाने के लिए बर्तन लिया है, इसमें तेल डाल देंगे, रिफाइंड तेल मैंने लिया है। आप घी भी लगा सकते हैं, इसे चारों तरफ से लगा लेना है हमें। थोड़ा सा मैदा डाल देंगे, इसमें चारों तरफ हमें फैला लेना है। इस तरह से हम हाथ से भी फैला लेंगे। देखिए, मैंने चारों तरफ फैला लिया है। गैस को ऑन करेंगे। कढ़ाई गर्म होने देंगे थोड़ी देर। इसमें नमक को डाल देते हैं। इस तरह से फैला लेना है हमें। ये प्लेट लिए है, मैंने रख दिया इस तरह से। आप स्टैंड भी रख सकते हैं। ये टूटी फ्रूटी ली है, इसमें मैदा थोड़ा सा मिला लेंगे। इसमें डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे। बैटर को डाल देंगे। अब थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे, जिससे केक बहुत ही सुंदर दिखेगा। कढ़ाई गर्म हो गया है, जो बैटर बना के तैयार किया है उसे रख देंगे पकने के लिए। 30 से 35 मिनट लो फ्लेम पे पकने देना है इसे। इसे ढक लेंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे कि इससे भाप निकल सके, देख सकते हैं आप। 30 से 35 मिनट हो गए हैं, इसे खोल के देख लेंगे अब। चेक करते हैं चाकू से। ये देखिए, केक पक गया है। केक का बैटर इसमें नहीं लगा है। एक बार और आपको दिखा देती हूँ। केक मेरा बन के तैयार हो गया है। चलिए, गैस को बंद कर देते हैं, उसी में केक को छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए।
चलिए अब हम इसे निकाल लेंगे। अभी ये गर्म है थोड़ा सा, इसे ठंडा होने देते हैं। चलिए ठंडा हो गया है, अब चाकू से हम चारों तरफ से निकाल लेते हैं केक को। धीरे धीरे इस तरह से हमें घुमा लेना है चारों तरफ। अब हम पलट लेंगे एक प्लेट में, टैप कर लेंगे धीरे धीरे। देखिए कितने आसानी से केक निकल गया है। ये मैदा जो लगाया है उसे निकाल लेते हैं। देखिए पलट के दिखाती हूँ आपको कि केक कितना स्पंजी बन के तैयार हुआ है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। कट कट के दिखाते हैं। ये मैंने केक को काट लिया है, देख सकते हैं आप केक हमारा कितना स्पंजी बन के तैयार हुआ है। इसमें जो जाली आई है बहुत ही स्पंजी बना है ये केक। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन की